नमस्कार दोस्तों, सरकारी जॉब ज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रुप सी भर्ती 2022 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्रुप सी के लिए निकाली गई बंपर भर्तियों की अपडेट के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ में। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इंफॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा लें, ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर चुका हूं। यहां पर आप चेक कर सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो वैकेंसीज रखी गई है, ये समूह 3 मतलब कि ग्रुप सी के लिए वैकेंसीज रखी गई है, जो कि कौन कौन से डिपार्टमेंट के तरफ इन पदों को जो है रखा जाएगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो भर्तियां हैं ये सीधी भर्तियां हैं, साथ ही में बैकलॉग के लिए भी वैकेंसीज रखी गई है और आपकी जो है संविदा पर भी इन वैकेंसीज को रखा जाएगा। तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं ओपीयंत्री, मानचित्रकार एंड इसी के साथ में समयपाल एवं समकक्ष पदों की सीधी एवं बैकलॉग भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 के संबंध में संशोधित अधिसूचना यहां पर रिलीज की गई है। आवेदन पत्र भरने की जो आपकी तिथि रहेगी है 1 अगस्त 2022 से 16 अगस्त 2022 तक आप आवेदन कर सकते हैं। एंड इसी के साथ में दोस्तों, आवेदन पत्र में संशोधन करने की मतलब कि अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी गलती हो जाती है तो आप 1 अगस्त 2022 से 21 अगस्त 2022 तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो है करेक्शन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक से जरूर देखिएगा, क्योंकि सारी की सारी अपडेट आपको सिर्फ इसी वीडियो के अंदर मिलने वाली है। अब देखिए दोस्तों, परीक्षा के दिनांक के बारे में बात कर ली तो 24 सितंबर 2022 को आपका जो है एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। फर्स्ट पारी आपकी 7 से 8 बजे तक रहेगी और सेकंड पारी आपकी 12:30 बजे से 1:30 बजे तक रहेगी। इसी के साथ में महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं और उत्तर अंकित का समय भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपका जो एग्जाम स्टार्ट होगा वो कब से होगा, आपको निर्देश जो दिए जाएंगे वो कब आपको जो है रीड करने होंगे, साथ ही में आपका जो रिपोर्टिंग टाइम रहेगा वो क्या रहेगा, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दी गई है। फर्स्ट पारी और सेकंड पारी के बारे में, रिक्त पदों के विवरण के बारे में बात कर लें तो देखिए, सीधी भर्ती पर जो वैकेंसीज रखी गई है 2198 पदों पर वैकेंसीज हैं, संविदा पर 111 पदों पर वैकेंसीज रखी गई हैं और बैकलॉग के लिए 248 पद रखे गए। कुल मिलाकर के 2557 पदों को यहां पर रखा गया था। लेकिन दोस्तों अभी मैं आपको एक नोटिफिकेशन और दिखाता हूं, तो आप यहां से चेक कर सकते हैं विभागवार रिक्त पदों का विवरण, आप यहां से इजीली चेक कर सकते हैं। आपको मतलब डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसीज की अपडेट यहां पर दे दी गई है कि यहां पर कौन कौन से पद यहां पर रिक्त रखे गए हैं जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं एंड कौन कौन से कैटेगरीज के लिए कितने पद रखे गए हैं। यहां पर आपको पद भी बताए गए हैं कि कौन कौन से पद पर आप अप्लाई कर सकते हैं। भर्ती का प्रकार आप यहां से चेक कर सकते हैं, संविदा के लिए भर्ती है, सीधी भर्ती है, संविदा के लिए भर्ती है, तो वो भी आप यहां से चेक कर सकते हैं। जो भी वैकेंसीज आपके लिए बैकलॉग की रहेगी उनमें आपको अपडेट देखने को मिल जाएगी। अगर मैं यहां पर बात करूं दोस्तों टोटल वैकेंसीज के बारे में, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको जो है सारी की सारी अपडेट चेक कर लेनी है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, यहां पर आपको जो है संविदा की भी वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी, जैसे कि आप यहां से चेक कर सकते हैं बैकलॉग भर्ती, संविदा भर्ती, तो इसी तरीके से आप पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं दोस्तों महायोग के बारे में, मतलब जो टोटल वैकेंसीज हैं टोटल अपडेट के बारे में, तो देखिए टोटल यहां पर पेज नंबर 23 से 2090 पद रखे गए हैं, 24 से 324, 25 पर आपको 688 पद देखने को मिलेंगे और पेज नंबर 26 पर आपको 351 पदों पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। टोटल जो यहाँ पर वैकेंसीज रखी गई हैं ये 3453 पदों पर वैकेंसीज हैं जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। मतलब कि आपकी वैकेंसीज में जो है यहाँ पर इंक्रीमेंट कर दिया गया है, आपकी वैकेंसीज को बढ़ा दिया गया है और जो 2500 पद थे उनको मिलाकर के यहाँ पर 3400 पद कर दिया, मतलब 3453 पदों पर अब आपकी जो है भर्तियां कंडक्ट करवाई जाएगी। इसी के साथ में आपको जो है यहाँ पर जो भी अदर डिटेल या फिर जो बैकलॉग की भर्ती है उनकी अपडेट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी कि कितने पद आपको जो है यहाँ पर बैकलॉग के लिए देखने को मिलेंगे और कितने पद आपको संविदा के लिए देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में जो आपको यहां पर सैलरी दी जाएगी ये 30,000 रुपए निश्चित रहेगी, मतलब कि आपको हर महीने 30,000 रुपए पे स्केल यहाँ पर दिया जाएगा। साथ ही में दोस्तों अगर आप सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट कर चुके हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ में आपने डिप्लोमा किया है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, चाहे आपने किसी भी बोर्ड, किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी जो है इंस्टीट्यूट से अपना क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया हो। इसी के साथ में दोस्तों आपको यहाँ पर 10वीं पास के लिए भी वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी, 12वीं पास के लिए भी वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी। 20% आरक्षित रखे गए हैं दोस्तों संविदा भर्ती के लिए, तो आपको 20% वैकेंसीज आपकी जो है संविदा के लिए रहेगी। अभी अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर डिटेल अपडेट के बारे में, तो आप यहाँ से परीक्षा
शहर चेक कर सकते हैं, जो भी आपका नियरेस्ट शहर रहेगा उसमें आप जो है अपनी एग्जाम दे सकते हैं। आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया, जो आपको महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं वो आप यहाँ से इजीली चेक कर सकते हैं कि आप किस तरीके से अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट वीडियो के लिए बोल सकते हैं, मैं आपके लिए जल्दी से एक नई वीडियो लेकर के आ जाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म घर बैठ करके अपने मोबाइल के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले आपको नीचे कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट वीडियो के लिए लिखना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटी के बटन को जरूर दबा लेना है ताकि जब भी मैं आपके लिए वो वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इसी के साथ में देखिए दोस्तों यहां पर आपको परीक्षा शुल्क के बारे में बताया गया कि जो भी अनारक्षित अभ्यर्थी के लिए मतलब यहां पर ₹500 एप्लीकेशन फीस रखी गई है, मतलब जो भी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको ₹500 एप्लीकेशन फीस जमा करवानी होगी, एससी एसटी एंड ओबीसी कैंडिडेट को ₹250 एप्लीकेशन फीस जमा करवानी होगी और अगर आप सीधी भर्ती बैकलॉग के लिए अप्लाई करते तो आपको कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं देनी पड़ेगी। साथ ही में आपका यहां पर जो भी रजिस्ट्रेशन फीस लगने वाला है या आवेदन भरने वाले अभ्यर्थी हेतु जो एमपी ऑनलाइन का पोर्टल यहां पर खोला जाएगा उसका शुल्क आप यहां से चेक कर सकते हैं। इसी के साथ में जो एग्जाम आपकी कंडक्ट करवाई जाएगी ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से इन वैकेंसीज को कंडक्ट करवाया जाएगा। सो सारी की सारी अपडेट आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ले सकते हैं। आप जो है अगर 10वीं पास है, 12वीं पास है, 8वीं पास है, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, आपने जो है बीटेक यहां पर कंप्लीट कर लिया है, डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया है तो आप इन भर्तियों के लिए इजिली अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं इस भर्ती से संबंधित सारी की सारी अपडेट आप सभी को मिल गई होगी। वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जरूर सबमिट करें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना एंड अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा लें ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद दोस्तों।